हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण का कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 10B देखेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्य पत्रक 10। इसकी विषय वस्तु बहुपद है और इसका अधिगम बिंदु बीजीय व्यंजकों का गुणा एक पदीय का द्विपद से, और इसका संदर्भ है कक्षा 8 अध्याय 9 प्रश्न संख्या 152 से। अब इसमें पहले आपको दिखा रखा है कि नीचे दी गई गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें गुणा का वितरण नियम बताया गया है। पहला आप देख सकते हो, यहाँ पर पहली जो गतिविधि है, यहाँ पर 2 को 3 प्लस 4 से गुणा करना, यानी कोष्टक के अंदर 3 प्लस 4 है तो 2 को इस 3 प्लस 4 से गुणा करना है, 2 को 3 से भी गुणा करना है और 2 को 4 से भी गुणा करना होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 6, 2 इंटू 3 6 होते हैं और 2 इंटू 4 8 होते हैं, तो 6 प्लस 8 बराबर 14 हो जाएंगे। इसी प्रकार गतिविधि 2 दे रखी है जिसमें a को a प्लस बी से गुणा करना है, तो इसका उत्तर हो जाता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न है उपरोक्त गतिविधि के आधार पर गुणा के वितरण नियम का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, यानी कि ऊपर जो गतिविधि दे रखी है उसके आधार पर हमें इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे कि पहला है ए स्क्वायर को ए प्लस 3 से गुणा करना है, कोष्टक के अंदर ए प्लस 3 दे रखा है, तो जब इसको गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू 3 बराबर ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है 4 कोष्टक के अंदर 3 ए प्लस 5 बी, इसको हम इस प्रकार से गुणा करेंगे 4 इंटू 3 ए प्लस 4 इंटू 5 बी बराबर 12 ए प्लस 20 बी। अगला दे रखा है क्यू कोष्टक के अंदर पी माइनस क्यू, तो इसको हम इस प्रकार से गुणा करेंगे क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू बराबर क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर। अगला दे रखा है 3 कोष्टक के अंदर 3x माइनस 6xy, इसको हम इस प्रकार से गुणा करेंगे 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 6xy बराबर 9x माइनस 18xy। मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये जो चिन्ह है गुणा होकर के असमान चिन्ह है तो माइनस हो जाते हैं और समान चिन्ह है तो प्लस हो जाते हैं। अगला दे रखा है ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 अगले ब्रैकेट के अंदर माइनस 4y प्लस 3, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे माइनस 5 इंटू माइनस 4y माइनस 5 इंटू प्लस 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें प्लस के 20y माइनस के 15, और आगे और हल करेंगे तो ये जो प्लस का है 20 के आगे इसको लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ये प्लस ही रहता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 20y माइनस 15। यहाँ पर जो ये दोनों चिन्ह हैं गुणा हो रहे हैं, माइनस के 5 और माइनस 4y है ना, दोनों में माइनस माइनस है, समान चिन्ह है, इसलिए गुणा होकर के ये आगे प्लस हो जाते हैं, इसलिए प्लस के 20y है। इस प्रकार हमारी ये कार्यपत्रक 10B पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके, और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।